हेलो, वेलकम टू माय चॉइस किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ ड्राई फ्रूट मिल्क शेक। तो इसके लिए मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। इसके अंदर मैंने बादाम, काजू और अखरोट, छुआरा, किशमिश, ये सब चीज़ें इसके अंदर ऐड की हैं, मखाने। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बच्चे जो हैं ड्राई फ्रूट्स खाने में बहुत ही परेशान करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक मिल्क शेक बनाया जाए जो बहुत ही हेल्दी है और बच्चों को भी और बड़ों को भी दोनों को पसंद आने वाला है। तो इसके लिए मैंने ड्राई फ्रूट्स को 2 घंटे के लिए मिल्क में सोक करके रख दिया था ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं। तो इसके अंदर हम चीनी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे क्योंकि जो इसका मिठास है वही इनफ है। बट अगर आप डालना चाहते हैं तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा चीनी या हनी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसका मैंने एक पेस्ट बना लिया है। और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि आप इसको स्टोर भी करके रख सकते हैं, 7 से 8 दिन ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो अब ये पेस्ट जो है हम ग्लास में सर्व करते हैं अपनी ड्रिंक। तो 2-2 चम्मच हम ग्लास के अंदर ऐड करेंगे। ये देखिए, दोनों ग्लासेस में भर के 2-2 चम्मच आप ऐड कर दीजिए। इससे जो बच्चे हैं उनको पता भी नहीं चलेगा कि ये आपने ड्राई फ्रूट से बनाया है। और बच्चों को ड्राई फ्रूट खिलाना तो बहुत ज़रूरी होता है, बट बच्चे जो हैं अवॉइड करते हैं ड्राई फ्रूट्स खाना। तो इस तरीके से शेक बना के दीजिए, बहुत ही पसंद आने वाला है उन्हें। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ आइस क्यूब्स और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिल्ड दूध। ठंडा ठंडा दूध होना चाहिए बिल्कुल। ये देखिए, इसके अंदर दूध ऐड कर दीजिए और इसको अब अच्छे से कर देंगे हम मिक्स। और इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ताकि बच्चे जल्दी से इम्प्रेस हो जाएं ये ड्रिंक देख के, तो मैंने इसके लिए इसके अंदर ऐड की है थोड़े से टूटी फ्रूटी और थोड़े से इसके अंदर हम ऐड करेंगे चॉको चिप। देखने में बहुत ही डिलीशियस और यम्मी लगेगा, बच्चों को ना कह ही नहीं पाएंगे। बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी ये ड्रिंक बहुत ही पसंद आने वाली है। तो एक बार इसे ज़रूर बना के देखिएगा और पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। और जैसे कि मैंने आपको इसे बताया कि इसे स्टोर करके रख सकते हैं, तो आप एक एयर टाइट कंटेनर में इस पेस्ट को स्टोर कर लीजिए। 7 से 8 दिन तक बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा, जिस तरीके से देखिए मैं रख रही हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ। इन्जॉय करिए तब तक मेरी बनी हुई बाकी रेसिपीज़ को और इस मिल्क शेक को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू।